करीमा गाड़ी से सामान लेकर आओ। साबिर वो सामान वामान निकाल के करीमा को दे देना। साबिर क्या बात है, कुछ परेशान लगे? वो बासिम कहाँ रह गए, जल्दी आए ना। आया। अब साहब जी को कैसे बताऊं, घर में फाके चल रहे हैं, तनख्वाह तो कब की खत्म हो चुकी है। बेगम साहिबा से भी पैसे मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बच्चे घर में राह देखते होंगे कि आज भी उनका बाप खाली हाथ ही आएगा। अल्लाह मुझे माफ कर देना, अभी तो तुझसे शिकवा कर रहा था। कितना रज़ाक है मेरे मालिक, तूने मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दिया, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। अब्बा कुछ खाने के लिए तो लेकर आए हो ना? हाँ मेरा बेटा लाया हूँ, इधर आओ। जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, भागो जाओ खाओ। साबिर हुसैन। हाँ। वो साहब जी से बात नहीं की तुमने? मुझे ना शर्म आती है रोज रोज मोहल्ले वालों से मांगते हुए, और वैसे भी आजकल जो हालात हैं उसमें तो सबकी हालत बहुत बुरी है। तुम्हें पता है वो परचून वाले ने भी ना उधार सौदा देने से मना कर दिया। कोशिश तो की थी 3-4 बार बात करने की, लेकिन साहब मसरूफ ही बहुत होते हैं। बेगम साहब से बात करने का फायदा कोई नहीं, वो बहुत बदतमीजी करती हैं, पहले भी बेइज्जती कर चुकी हैं, अब और नहीं। तो ये खाना कहाँ से लाए? इसका मतलब ये है नौबत यहाँ तक आ गई है कि साहब जी और बेगम साहिबा के बच्चों का झूठा खाना मेरे बच्चे खाएंगे। ना क्या हो गया, रिस्क तो रिस्क होता है ना, और जिसके नसीब में जो लिखा है उसको वही मिलेगा ना। खा लेने दे बच्चों हैं। आओ साबिर आओ। खैरियत सर? वो ये मुलाजमों को कुछ तमीज नहीं, यहाँ आने का क्या मकसद है इसका? क्या काम है? बेगम साहब आपने वो दर्जी के यहाँ से कपड़े मंगाए थे वो ले आया। देखा नहीं आपने इसको किस तरह हरीस भरी नजरों से हमारे खाने को देख रहा था? तो जब खाना खाने बैठो ये आ जाते हैं नजर लगाने के लिए। इतना बुरी बात है, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बासिम आप तो रहने ही दे, आपने ही सारे मुलाजमों को खराब किया। जब देखो कभी पैसे मांगने आ जाते हैं, कभी खाना मांगने आ जाते हैं, कभी कपड़े, इनका तो पेट ही नहीं भरता।
अच्छा वो क्या किया आपने शीना की बर्थडे को? इस दफा मुझे शीना की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। मेरी बच्ची लास्ट ईयर देखा था कितना बुखार हो गया था। अच्छा याद दिलाया तुमने, कुछ इनविटेशंस बाकी है। क्या दूं अपने बच्चों को, कुछ दूं? साबिर भाई आप गए नहीं अब तक, सब खैरियत है ना? नहीं मैं साहब का वेट कर रहा हूँ, उनसे काम था, वो बिजी हैं तो इंतजार कर रहा हूँ, फ्री हो जाएंगे फिर जाऊँगा। सब खुदा सकीना जल्दी आ, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को बुला, उनको बुला ले, बच्चों को बुला, जल्दी से खिला और तू भी खा ले, सुबह से भूखी है, तुझे भूख नहीं लगती? नहीं साबिर हुसैन, मेरे बच्चे ये झूठा खाना नहीं खाए, तू खा, किसी और को ले जाके खिला, मेरे बच्चे इसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। कहां मर गई तेरी गैरत? हाँ मर गई मेरी गैरत, मेरे बच्चे भूख से मर जाए उससे बेहतर है मेरी गैरत मर जाए। क्या करूंगा, क्या बोल, इधर देख क्या करूंगा इसी गैरत का, अचार डालू, मरने दो इनको भूखा? अरे भाई इतना इतना खाना कचरे में जाता है यार, उसमें से मैं इतना सा बचा के ले आता हूं कि मेरे बच्चे पेट भर के खा लेंगे, तो क्या गुनाह किया है मैंने? बनो सलमा उतर रहा है उधर, बहुत है उनके पास, तनखा मांगो तो ऐसे देते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। अब तो काम से घर वापस आने को दिल नहीं करता मेरा, किस मुंह से वापस आऊंगा? बच्चे मुझसे पूछे कि खाने के लिए क्या लाए हो, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। चार दिन से कोशिश कर रहा हूं साहब से बात कर लूं किसी तरह, थोड़ा सा एडवांस मांग लूं, उनके पास टाइम ही नहीं है, पर इन लोगों को क्यों नहीं एहसास हमारा? क्यों नहीं होता? तो छोड़ देना नौकरी, छोड़ दे ये नौकरी, तेरी तनख्वाह तो वैसे भी महीने की 20 तारीख को खत्म हो जाती और खर्चे पहाड़ की तरह सर पे खड़े होते, समझ में नहीं आता कहां से पूरे करें खर्चे। तू पागल क्यों बन रही है? क्या हो गया तुझे? सही ना हो जाएगा ना सब सही,
वो भैना रज़ाक, वो देख रहा है, वो देगा। जब बच्चों को बुला के लाइए, खाना खिला दे उनको जा। अरे जाना यार, वो भूखे है। सकीना जाना, जा लेके आ। ये रोज रोज इतने खाने बनना जरूरी है क्या? तुम तो डाइटिंग के नाम पे सिर्फ खाना चखती हो, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं और बचा देते हैं, और मेरी भी कोई ऐसी खास डाइट नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बासिल, ये तो रूटीन में बनता है, और वैसे भी ये सारी मेहनत तो आपके लिए होती है। अगर दो तीन डिशेज ना बने तो आपका मुंह बन जाता है, और अगर टेबल पर डिजर्ट ना हो तो आप कहते हैं खाने में मजा ही नहीं आया। हाँ, तो अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो उसे ठीक करना चाहिए। सब खैरियत तो है मासूम, इससे पहले तो कभी भी आपने मुझे पॉइंट आउट नहीं किया है। इफ्रा, ये सब इसराफ है। प्लीज मासूम, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं और मेरे बच्चे हमेशा से अच्छा खाने की आदत है। चलो फिनिश करो बेटा, आपको कुछ दूं? अब सही से खाना खाएं बासु, किन सोचों में पड़ गई? टिफिन में सारा खाना पैक करें और गाड़ी में ड्राइवर को दें। जी अच्छा साहब। और हाँ, बेगम साहब से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और अब से ये काम आपका है, रोजाना ऐसे ही टिफिन पैक करके दें। जी ठीक है। ठीक जी।
हाँ अरे क्यों नहीं आऊंगी, तुमने बुला लिया तो बस जरूर चक्कर लगाऊंगी। चलो मिलते हैं फिर। ओके। ये किसका फोन है? हेलो, क्या कहाँ कब कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस अभी आ रही हूँ। आयाज चाचा गाड़ी निकालो जल्दी। बेगम साहिबा, खाने में क्या बनाऊं? 3 दिन हो गए आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया और बच्चे भी इतना थोड़ा सा खा रहे हैं। जब तक बासिम घर नहीं आ जाते हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम बच्चों के लिए कुछ बना लो और हाँ जो कुछ भी बनाना थोड़ा बनाना। जी ठीक है। बड़ा साबर के साथ बहुत बुरा हुआ ना, बेगम साहिबा ने उसको नौकरी से भी निकाल दिया और उसको बोल रही है कि तुम्हारी वजह से साहब का एक्सीडेंट हो गया। अरे यार भला इसमें उस गरीब का क्या कसूर है? देखो ना मैं उसके घर में गया था ना, उसके घर के हालात इतने खराब हैं, उस बेचारे के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं यार। साहब को पता थी ये बात कि साबिर 10 दिन से खाना उठा के ले जाता है, इसीलिए साहब ने साबिर के लिए टिफिन का बंदोबस्त कर लिया था। साहब ने मुझे मना किया था कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊं, बेगम साहिबा को भी नहीं पता। 3 दिन से उनके घर में खाना नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे हालात होंगे उनके। बेगम साहिबा ने उनको नौकरी से भी निकाल दिया है। या अल्लाह, जाने अनजाने में ये कैसा गुनाह होता रहा, जिस खाने को इजाफी समझकर उसकी नाकदरी करते थे, उसे कचरे में फेंक देते थे, वो किसी के पेट में जाकर उसका रिस्क बनता था। उफ, कितनी जालिम बन गई थी मैं। बासिफ सब जानते थे इसीलिए वो हमें टोकते थे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो तुम उसका टिफिन बनाओ, मेरे को दो, मैं जाएगा उसके घर में टिफिन देने। अगर बेगम साहब को पता चल गया तो? अरे माला नहीं पता चलेगा ना, मैं बड़ी ध्यान से जाएगा नहीं। बेगम साहब मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। वो साहब ने मुझे कहा था टिफिन देने के लिए। आ,
तुम टिफिन तैयार करो। तुम्हें तुम्हें पता है ड्राइवर कहाँ रहता है? जी बेगम साहब, मुझे पता है। खाना लेके मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? जी बेगम साहब। सोच रही हूँ कि हलीमा खाला के यहाँ से कुछ थोड़े बहुत चावल मांग के ले आती हूँ, बच्चों का कुछ तो पेट भरेगा। कौन है? आई कौन है भाई? आप यहाँ? साबिर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने मुझे हर खुशी दी है, हर चीज से नवाजा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि उन नेमतों में से दूसरों का भी हक बनता है। तुम जब मेरे खाने की तरफ देखते थे ना, मुझे तुम्हारी आंखों में हिरस दिखती थी। लेकिन मैं कभी ये नहीं देख पाई कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बच्चों की भूख थी। बासिम तो नेकी करने में बाजी ले गए, उन्हें शायद समझ आ गया था कि इन नेमतों में सिर्फ हमारा हक नहीं होता, बल्कि कितने लोगों के वसीलों से हम तक पहुंचता है। बासिम बहुत बीमार है, मेरे शोहर के लिए दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब इस नेकी के सफर में वो अकेले नहीं खड़े होंगे, बल्कि मैं भी उनके साथ खड़ी होंगी। और जिसका हक है रिस्क के ऊपर, वो उन तक पहुंचेगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। ये एक बहन की तरफ से कबूल कर लो प्लीज साबिर।